कोविड-19 की वजह से मंदिर निर्माण कार्य प्रभावित। नींव की दूसरी लेयर भरने में बरती जा रही सावधानी। राजस्थान से पत्थरों और निर्माण सामग्री के आने में रोक। तराशे गए पत्थरों की साफ सफाई का भी काम बंद। वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। कोरोना की सेकंड लहर में भारत सहमा है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण का काम भी संक्रमण की वजह से लगभग ठप पड़ गया है। कुछ प्रतिबद्ध श्रमिकों की वजह से नींव निर्माण से जुड़े सिर्फ वही काम हो रहे हैं जो बहुत जरूरी हैं। इसमें भी ज़्यादातर मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। रामघाट स्थित न्यास कार्यशाला में पत्थरों की तराशी पूरी तरह से बंद है। मंदिर निर्माण में काम आने वाले राजस्थान के पत्थर भी कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं कोविड की वजह से कितना और कैसे प्रभावित हुआ है नींव की दूसरी लेयर को भरने का काम। सावधानी के साथ हो रहा नींव निर्माण का काम। इन दिनों अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के लिए ग्राउंड इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है। नींव की पहली लेयर को मजबूती देने का काम पूरा हो चुका है और अब 40 लेयर्स में दूसरी लेयर को भरा जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से नींव भरने के काम में बहुत सावधानी बरती जा रही है। हर श्रमिक के साथ सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य परीक्षण और पूरी जांच के बाद ही ग्राउंड इम्प्रूवमेंट के काम में उन्हें लगाया जा रहा है। श्रमिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियंस को मिलाकर कुल 50 लोगों की ही एंट्री रामलला परिसर के अंदर है। काम में तेजी लाने के लिए बढ़ाई गई मशीनें। कोविड संक्रमण से बचने के लिए नींव निर्माण के काम में अब अधिक से अधिक मशीनों को लगाया गया है। मसाले के मिश्रण से लेकर ढुलाई और ढलाई तक काम मशीनों के जरिए ही किया जा रहा है। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए परिसर के अंदर मशीनों की संख्या बढ़ा दी गई है। ग्राउंड इम्प्रूवमेंट कार्य को गति देने के लिए कार्यदायी संस्था L&T ने इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल की लेयर को बिछाने का काम राजस्थान की बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया है। ये कंपनी अपने दर्जन भर तकनीकी विशेषज्ञों और श्रमिकों के साथ दूसरी लेयर को तय समय में भर लेने के काम में जुटी है। इंजीनियर फील्ड मटेरियल की लेयर सेट करने के लिए 2 वाइब्रो रोलर काम कर रहे हैं। नींव निर्माण के लिए गिट्टी, मोरंग और सीमेंट जैसी सामग्रियों का पर्याप्त भंडारण परिसर के अंदर ही किया गया है। इससे नींव भरने में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन आगे के काम के लिए कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से राजस्थान से पत्थर और मध्य प्रदेश से गिट्टी व सीमेंट के परिवहन में रुकावट आई है। मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों की तराशी राजस्थान सहित अयोध्या स्थित न्यास कार्यशाला में भी बंद है। तराशी के काम में लगे मजदूर अपने अपने घर चले गए हैं, इसलिए तय समय में मंदिर निर्माण हो पाने में अब संशय है। कोरोना संक्रमण थमने के बाद फिर से काम में तेजी आने की उम्मीद है। पत्थरों की साफ सफाई का भी काम बंद। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिर निर्माण के लिए पहले से तराशे गए पत्थरों की साफ सफाई का काम बंद कर दिया गया है। 40 लेयर में नींव भरने के बाद जुलाई अगस्त के बाद दीवार के निर्माण का काम शुरू होगा। तब इसके लिए 4,00,000 घन फीट तराशी गई शिलाओं की जरूरत होगी। अभी तक 60,000 घन फीट शिलाओं की ही तराशी हो सकी है, इसीलिए जरूरत के हिसाब से राजस्थान और अन्य जगहों से पत्थरों की खेप लाने का काम शुरू हुआ था। इसी के साथ रामघाट स्थित न्यास कार्यशाला और राम जन्मभूमि परिसर में
शिलाओं की तराशी का काम तेज कर दिया गया था, लेकिन इन सब पर अभी रोक लग गई है। शिखर और उप शिखर के पत्थरों की होनी है तराशी। राम मंदिर निर्माण में शिलाओं के साथ ही अयोध्या के हर कोने में कम से कम 60 द्वार भी बनाए जाएंगे। ये द्वार 60 फीट लंबे, 235 फीट चौड़े और 161 फीट ऊंचाई वाले होंगे। इसके अलावा मंदिर में एक शिखर, 5 उप शिखर सहित सिंह द्वार, रंग मंडप, नृत्य मंडप और गर्भगृह का निर्माण होना है। वास्तुविदों के अनुसार ये काम व्यापक निर्माण नियोजन से ही संभव है, इसलिए आने वाले दिनों में कार्यदायी संस्था को वर्तमान की तुलना में कई गुना अधिक संसाधन झोंकने होंगे। ये तभी संभव हो सकेगा जब कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम हो। मंदिर निर्माण के वास्तुकार आशीष सोमपुरा का कहना है कि कोरोना संक्रमण से राजस्थान का वो इलाका भी काफी प्रभावित है जहां से मंदिर निर्माण का पत्थर आना है। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर में पत्थरों की निकासी और तराशी का काम बंद पड़ा है। जहां काम चल भी रहा है वहां बहुत कम लोग काम पर आ रहे हैं, इसलिए समय से काम पूरा करने के लिए तराशी और पत्थरों की साफ सफाई के लिए मशीनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। गुजरात से भी कारीगर बुलाए जाएंगे। 300 से 500 श्रमिकों को एक साथ काम पर लगाने की योजना है। रामकोट स्थित राम जन्मभूमि न्यास के पुराने कार्यालय और विभीषण कुंड के पास 2 मंजिला हाल श्रमिकों के लिए तैयार हैं। ट्रस्ट की पूरी कोशिश तय समय में ही नींव के निर्माण को पूरा करने की है। मंदिर के निर्माण से जुड़ी हर गतिविधि को जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।